नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन जारी है। दिग्विजय के पोस्टर लेकर के डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से सवाल खड़े किए थे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के, अब इसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस की ओर से एक तरफ कहा गया है कि यह दिग्विजय सिंह का निजी बयान है। हालांकि जयराम रमेश ने एक अहम बात भी कही है कि पीएम से सवाल पूछिए। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस मुद्दे को फिर से गरमाने के लिए यह सोची समझी रणनीति के तहत ये संयोग नहीं ये प्रयोग किया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि दिग्विजय सिंह लगातार विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा जा रहा है, उनकी आलोचना की जा रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपने विवादित बयान पर कायम है। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे और अपने बयान पर कायम है दिग्विजय सिंह। वहीं कांग्रेस ने किनारा जरूर किया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे दिग्विजय सिंह ने, भारत जोड़ो यात्रा जिसके प्रभारी हैं वो, और एक रैली में दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपने बयान पर कायम है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा, तो जब उनके बयान पर कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे निजी बयान बताते हुए कहा कि इस पर पहले पीएम मोदी से सवाल पूछिए। पुलवामा में हम लोगों के 40 सीआरपीएफ के जवानों ने जान, आज तक ये बात खुलासा नहीं कर पाई भारत की सरकार कि आखिर ये 3 क्विंटल आरडीएक्स आया कहां से। इसके साथ साथ आज तक ये जवाब नहीं दे पाई है कि देवेंद्र सिंह डिप्टी एसपी जो कि आतंकवादियों से पकड़ा गया वो आज कहां है, उसको क्यों छोड़ दिया गया, राष्ट्रद्रोह का प्रकरण उस पर क्यों नहीं बना। इसी के साथ साथ हम तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, उनके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी की क्या संबंध है। सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। अभी 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 प्रधानमंत्री 10 मिनट। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी से पूछा कि टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है, सेना का मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है और राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं, इससे सेना कमजोर होगी, ये देशभक्ति नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा और राहुल गांधी से सवाल पूछा है। दिग्विजय सिंह उनके वरिष्ठ नेता सवाल और सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर, वही सर्जिकल स्ट्राइक जिसको पूरी दुनिया ने माना है, यहां तक कि पाकिस्तान भी मजबूर हुआ है मानने के लिए, जिसको डीजीएमओ ने अनाउंस किया था, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं। ऐसी सेना से सवाल और सबूत पूछने का काम फिर से किया जा रहा है। पहले इसको खून की दलाली और फर्जिकल स्ट्राइक कहा गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे ये तक कहा गया। जिस प्रकार से सेना के मनोबल पर चोट करने के लिए राहुल गांधी ने कहा कि सेना पिट के आ गई, तवांग, गलवान, डोकलाम, सब जगह जहां पर सेना ने शौर्य दिखाया वहां पर उनके शौर्य को नीचा किया गया। मैं तो श्री राहुल गांधी जी से ये जवाब मांगता हूं कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है, टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है और राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सेना कमजोर होगी,
ये देशभक्ति नहीं है। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर घमासान जारी है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शौर्य का सबूत मांगना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत जोड़ो यात्रा एक नाटक है, बीजेपी ने ये आरोप लगाया है। सेना को कमजोर करने का काम कर रही है कांग्रेस। भारत की सेना की वीरता पर देश विश्वास करता है, सबूत नहीं मांगते। अब आपके नेताओं का क्या कहा जाए, तो कृपया करके आपके नेताओं के द्वारा पार्टी को, देश को कमजोर करने और तोड़ने का काम बंद करें, जो काम हो रहा है आपके भारत जोड़ो यात्रा में, तो फिर तो ये नाटक ही है ना, और क्या कहा जाएगा। और भी कश्मीर में जहां आज नॉर्मलसी आई है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कड़ी कार्रवाई की गई आतंकवादियों पर, आज वहां उनकी कमर टूटी है, आज वहां तिरंगा लहरता है, और वहां पर जाके ऐसी बात करना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इसकी बहुत बहुत भर्त्सना करता हूं। कि शहादत का सम्मान देश का एक एक नागरिक और व्यक्ति करते हैं। क्या मतलब है इसका, बार बार ये सवाल उठते हैं। दिग्विजय सिंह ने कल फिर उठाया इस बात को, कांग्रेस पार्टी में कह दिया गया कि यह पार्टी का स्टैंड नहीं है। वो कोई सामान्य कार्यकर्ता है क्या? वो पार्टी के महामंत्री हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई नई बात है क्या? और आज अखबारों में साफ छपा है कि उन्होंने फिर अपने उस कमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश की, और जयराम रमेश जी पत्रकार को हटाने की कोशिश कर रहे थे, बाद में उन्होंने ट्वीट करके उसी स्टैंड को दोहराया। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, कल हमने बात भी की थी कि इसे निजी बयान बता दिया जाएगा, लेकिन जो अहम बात हुई है वो ये कि जयराम रमेश के ठीक पीछे दिग्विजय सिंह खड़े हैं, और जयराम रमेश ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे। ऐसे में यह निजी बयान कैसे हो सकता है? नहीं, आप देखिए, जयराम रमेश जिस तरह से धक्का दे रहे हैं मीडिया को, और जिस तरह से दिग्विजय सिंह को बात कहने से, अपनी बात कहने से मना कर रहे हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन दूसरी बात देखिए कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अभी पहुंचे हैं कांग्रेस दफ्तर, और जब उनसे सवाल किया गया उन्होंने तो साफ तौर पर उन्होंने जयराम रमेश जो ट्वीट कर अपने सवाल जवाब दिए थे, उस ट्वीट को ही उन्होंने इंडोर्स किया है कि पार्टी का लाइन में, ये देखिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कमरा है, अपने कमरे में बैठे हैं, और नासिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं जो कांग्रेस के। नासिर भाई, अगर आप आगे आए तो हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं आपसे। हमारे साथ नासिर हुसैन है जो राज्यसभा सांसद भी हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। नासिर भाई, जिस तरह से दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर सारी चीजें हो रही हैं, खड़गे साहब ने साफ किया, क्या पार्टी का लाइन क्या है माना जाए? पार्टी का लाइन एकदम साफ है। पार्टी मानती है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, पार्टी मानती है कि यूपीए के टाइम पे भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। पार्टी का जो स्टेटमेंट जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, जो इंचार्ज कम्युनिकेशंस की तरफ से जो आया है जयराम रमेश जी के यहाँ से, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट पार्टी का है। दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट क्या माना जाए फिर? नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट जयराम रमेश जी के स्टेटमेंट पे, पीएम से सवाल पूछिए, ये क्यों कहा जयराम रमेश ने, रवि ये भी पूछिएगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। पीएम से सवाल पूछने की बात कह रहे हैं जयराम रमेश की, आप पीएम से सवाल पूछिए इस मामले पे, जब अब तो दिग्विजय सिंह से पूछा जाएगा सवाल ना जी। ये आप लोग को प्रॉब्लम ये है ना, आप लोग पीएम से पूछते नहीं, आप लोग अपोजिशन लीडर से ये पूछना चाहते हैं। जब सत्ताधारी पक्ष कुछ कहते नहीं, आप उनसे सवाल पूछते नहीं, जो मुद्दे देश में उसके बारे में सवाल पूछते नहीं, कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो आप गवर्नमेंट से और एस्टेब्लिशमेंट में पूछते नहीं। आप लोगों, आप हिंदुस्तान में और ख़ासकर हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है ना, अब नई एक प्रक्रिया शुरू की है कि अपोजिशन से पूछो सरकार की गलतियों को, अपोजिशन से सवाल पूछो। सवाल आप खड़े कर रहे हैं नासिर भाई, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा पार्टी से कि आपकी पार्टी का लाइन क्या है, तो इसलिए आपसे पार्टी का लाइन तो दे दीजिए। हम लोग जयराम रमेश जी पार्टी का लाइन एकदम स्पष्ट तरीके से उन्होंने क्लियर किया है, रिटर्न में आया है, वर्बली उन्होंने बोला है, आपके पास सारा है, उसको आप पार्टी का लाइन बताइए। चलिए, तो पार्टी का लाइन वही है जो जयराम रमेश का ट्वीट है, अगर आप देखें जिस तरह से उन्होंने, ये सोची समझी रणनीति दिखती है रवि, एक तरफ विवादित बयान दें, बिल्कुल मुद्दे को गर्म रखें, और दूसरी तरफ पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उसे निजी बयान बता करके पल्ला झाड़ लें। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रवि।
प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। वी लास्ट दिस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।